हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ऑनलाइन तैयारी। और मैं हूँ रूपा शर्मा। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? एंड आपको पता है कि एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं आपके। सो व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग डेली एनालिसिस लेकर आते हैं पूरा दिन का, जो भी एग्ज़ाम का पैटर्न रहा है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ओवरऑल गुड अटेम्प्ट आपका कितना हो सकता है, ये सारी चीज़ें, ताकि जो आने वाली शिफ्ट हैं वो उसके लिए जो स्टूडेंट जा रहे हैं वो प्रिपेयर हो सकें कि एग्जैक्टली दीज आर द टॉपिक्स जो रिपीटेडली पूछे चले जा रहे हैं, तो उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है ना। दूसरा, आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन पर कुछ दिखाई दे रहा है आपको कि जो जीतने का जज्बा हो तो इंडिया जैसा। सो एज़ यू नो कि इंडिया ने बांग्लादेश इंडिया बांग्लादेश के बीच का जो मैच था वो इंडिया ने जीत लिया है। सो यहाँ पर आपको तैयारी प्लस मिल रहा है। आपको भी देखिए, आपसे भी पूछ, आप में अंदर वो जज्बा है या नहीं है कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर सको, है ना। सो व्हाट यू नीड टू डू कि आपको प्रैक्टिस करनी है ढेर सारी, और वो प्रैक्टिस का जो सोर्स है वो आपको यहाँ पर मिल रहा है सिर्फ 399 रुपीज़ में। व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि आपको एक कोड यूज़ करना है, दैट इज़ WC399, और आपको तैयारी प्लस मिल जाएगा सिर्फ 399 में, राइट। तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का सेशन। सो स्टूडेंट, 3rd of July 2019 के एग्ज़ाम का हम एनालिसिस करेंगे आज। आज 3rd of July है, तो आज ओवरऑल जो भी पूछा गया, कौन कौन से टॉपिक थे, कल से क्या डिफरेंस है या नहीं है, वो सारी चीज़ें देखेंगे, इसका शुरू करते हैं। सो सबसे पहले गुड अटेम्प्ट्स देखेंगे हम। आपको पता है रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश आपसे पूछी जाती है। 25-25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ईच सेक्शन में। एक क्वेश्चन की जो मार्क है आपको वो मिलता है आपको 2 मार्क्स, है ना। तो टोटल आपका एक सेक्शन कितने मार्क्स का हो गया? 50 मार्क्स का, राइट। टोटल 100 क्वेश्चन हैं जो कि आपके 200 मार्क्स के हैं। नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूँ तो आधा नंबर यानी कि 0.50 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, राइट। इसके साथ में रीजनिंग के सेक्शन की अगर हम बात करें तो रीजनिंग का सेक्शन, जैसा कि हम 2 दिन से देखते आ रहे हैं, ईजी कहूँगी मैं, ईजी आ रहा है। आप अच्छा खासा यहाँ पर स्कोर कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। तो वही 21 से 22, 20 से 21, ये जो आपका रहा है गुड अटेम्प्ट है आपका, अगर आप करके आए हो इतना तो। दूसरा, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन भी एज इट इज़ देखा गया है, लेवल ईजी ही रहा है। कुछ स्टूडेंट जो बहुत ही ज़्यादा वीक हैं उनको मैं कह सकती हूँ कि ईजी टू मॉडरेट है, बट ओवरऑल अगर मैं देखा जाए तो आप 20 से 21 क्वेश्चन आराम से कर सकते थे। 18 से 20 मतलब अगर आप करके आ गए हो सो वो गुड अटेम्प्ट है, बट स्टिल मैं कहूँगी कि 20 से 21 क्वेश्चन आप करके आ सकते थे, है ना। चलिए इसके बाद जनरल अवेयरनेस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो इनका लेवल भी लेवल वही रहा है। कुछ टॉपिक्स चेंज हो गए हैं, ये मॉडरेट लेवल के रहे हैं आपके दोनों सेक्शंस। थोड़ा यहाँ पर अगर आप 15 से 17 जनरल अवेयरनेस और 15 से 18 कल की तरह ही देखेंगे हम, तो कुछ एक दो नंबर, एक दो क्वेश्चन का तो थोड़ा मार्जिन रख सकते हो आप। ये आपका गुड अटेम्प्ट रहा है। तो ओवरऑल 71 to 75 अगर आप करके आए हो तो दैट इज़ अ गुड अटेम्प्ट, राइट। चलो अब सेक्शन वाइज देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में ऑलमोस्ट वही सारे टॉपिक्स देखे गए हैं जो आपसे कल पूछे गए थे। परसेंटेज हो, एवरेज हो, नंबर सिस्टम हो, अर्थमेटिक के पूरे चैप्टर्स हैं, सिंप्लीफिकेशन है आपकी, सिंप्लीफिकेशन में भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। टाइम इन वर्क की बात करो, स्पीड इन डिस्टेंस, SI CI, देखो प्रॉफिट एंड लॉस का 1 से 2 क्वेश्चन देख हमें मिल रहा है देखने के लिए। ट्रिग्नोमेट्री या ज्योमेट्री या मैंसुरेशन, ये 3 चैप्टर जरूर डेफिनेट आप बहुत अच्छे से करके जाओ, DI करके जाओ, बिकॉज मेजर तो आपका यही हो गया। एलजेब्रा ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, मेजर पोर्शन आपका यही है ना। लेवल मॉडरेट कहूँगी मैं, बिकॉज स्टूडेंट का वही है। आप स्कोर अगर आप देखो अटेम्प्ट तो 15 से 17, कोई बोल रहा है 17 से 18, इस तरह से अटेम्प्ट चल रहा है, राइट। तो चलो इसके बाद देखते हैं जनरल इंटेलिजेंस में या रीजनिंग के सेक्शन में आपको कौन कौन से टॉपिक मिल रहे हैं। सो रीजनिंग के सेक्शन में जब अब तक एनालॉगी और आउट वन आउट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, तो 2 से 3 यही वेटेज रही है इनकी। ब्लड रिलेशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आपसे पूछी गई है 1 नंबर की। कोडिंग डिकोडिंग आपका 2 से 3 मार्क्स का आया है। मैथमेटिकल ऑपरेशन आपसे पूछा गया। डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन देखी गई है एंड वो 1 नंबर का देखा गया है। ब्लड रिलेशन से भी आपके
आपके एक से दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, मिरर इमेज ऑफ वेन डायग्राम से आपसे रेस्पेक्टिवली 1 and 2 marks के 1 and 2 questions पूछा गया है. सो सी देखो, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, अब 2-3 दिन से आपको एनालिसिस मिल रही है. सो अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, तो मैं भले ही आपको कह रही हूँ कि आप 20 से 21 क्वेश्चन अगर आप करके आए हो, दैट इज़ अ गुड अटेम्प्ट, बट आप 24 to 25 क्वेश्चन पूरा सेक्शन बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो. देखो, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो आपका टाइम खाएगा या किसी भी तरीके से आपको आपको थोड़ा सा भी पजल करेगा. अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से की है, तो ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो आप बहुत आसानी से बहुत अच्छे से कर सकते हो. बस पेशेंसफुली जाओ, थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो, चीज़ों को पैनिक मत करो और आराम से अटेम्प्ट करो, है ना. चलो, इंग्लिश सेक्शन की बात करो तो फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सिनेनम एंटोनिमी, 4 क्वेश्चन हो जाते हैं. अगर देखो तो 2 सिनेनम 2 एंटोनिम पूछ लिए, 4 क्वेश्चन तो यही हो गए. एक्टिव पैसिव से आपसे 1 क्वेश्चन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी आपसे क्वेश्चन देखा गया है ना. और एरर डिटेक्शन के 2 क्वेश्चन आए हैं, ईडियम फ्रेज आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए, और आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए, क्लोज टेस्ट आपका आ रहा है. तो ये इस तरह से जो लेवल है वो देखो, यहाँ भी कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है. अगर आपने प्रैक्टिस की है, देखो एक क्वेश्चन आता है, मैं कह रही हूँ कि मुश्किल कुछ भी नहीं है. क्यों नहीं है मुश्किल? बिकॉज आप लोग कितना टाइम से प्रैक्टिस कर रहे होते हो, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होती हैं. बट दो ही चीज़ें होती हैं जब आप एग्ज़ाम में जाते हो, तो या तो आप पैनिक करते हो, एग्ज़ाम प्रेशर होता है आपके ऊपर, फिर आप परफॉर्म नहीं कर पाते, है ना. या फिर जो इधर उधर से चीज़ें सुन लेते हो, पेपर बहुत टफ आया है, ये हुआ वो हुआ, तो वो फिर वैसी उसी थॉट प्रोसेस में जब आप एग्ज़ाम में चले जाते हो, तब भी आप प्रॉपर कॉन्फिडेंस आप अपना कम करके चले जाते हो कि नहीं, पता नहीं ठीक हुआ है या नहीं हुआ है ना. सो वो चीज़ें नहीं करनी है. आप पेपर देखो, आराम से सोचो, टाइम अपना टाइम लेके बिल्कुल पेशेंसफुली करो चीज़ें. एक भी ऐसा नहीं, एक क्वेश्चन अगर नहीं समझ आ रहा है तो तुरंत स्किप कर दो, उसको पे अटकने की ज़रूरत नहीं है आपको. सो इंग्लिश का भी लेवल मैं कहूँगी आपका इजी रहा है, इजी टू मॉडरेट आप मान के चलो, है ना. तो आप बहुत अच्छे से इंग्लिश और रीजनिंग में स्कोर कर सकते हो. इसके बाद देखो, कुछ क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख रहे हो, हमारा जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूँ, तो जनरल अवेयरनेस में आपका देखो करंट अफेयर से 6 से 7 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं. इजी टू मॉडरेट ही है, क्योंकि हर कोई करंट अफेयर नहीं कर पाता है प्रॉपर तरीके से, है ना. याद करते हो आप, भूल जाते हो चीज़ें, तो इजी तो मॉडरेट मैं कहूँगी. साइंस के 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए, पॉलिटी से 2 आए हैं, बुक एंड ऑथर का 1 क्वेश्चन मिल रहा है डेली देखने को, कंप्यूटर से भी 1 से 2 क्वेश्चन मिल ही रहे हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो आप बिल्कुल बहुत ध्यान से जाओ ये सारी चीज़ें देख के. और हम लोग जो एक सेशन लेके आते हैं कि डेली आपका जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, उनकी पूरी लिस्ट हम ले आते हैं, 24 से 25 क्वेश्चन होते हैं वो, तो आप उनको देखो, तो वहाँ से आपको टॉपिक्स पता चलेंगे. यहाँ मैं आपको बता रही हूँ करंट अफेयर के 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए, बट एग्जैक्टली करंट अफेयर में भी तो बहुत सारी चीज़ें होती है ना, कौन से टॉपिक से आ रहा है, क्या ज़्यादा फोकस कर रहा है एग्जामिनर, तो ये चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है. ये कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट है जो आज की शिफ्ट में एक दो बच्चे ने बताया, स्टूडेंट से पता चला है. जैसे डोलोमाइट इज द ओर ऑफ, ये साइंस का क्वेश्चन हो गया. शिव शंकर पंडित किससे रिलेटेड हैं, पद्मा रिवर जो बांग्लादेश में है वो कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है ना. विकास बोरा कौन से स्टेट के से रिलेटेड ब्रांड एम्बेसडर हैं. लोकसभा इज एट हु, विच लोकसभा इज एट प्रेजेंट, ये स्पीकर होगा यहाँ पे, हु इज लोकसभा स्पीकर, है ना. ये अभी आपसे ये रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, तो हु गॉट मैक्सिकोज हाईएस्ट ऑनर, है ना. ये इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं. सो हम लोग आज का जो 3rd यानी 3rd of July के जो क्वेश्चन थे, वो हम लोग आपको कल प्रोवाइड कराएंगे, जनरल अवेयरनेस के जितने भी आपसे पूछे गए, है ना. तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल एकदम बहुत अच्छे से तैयार करो, अपने आप को एग्ज़ाम में बिल्कुल आराम से जाओ, पेपर को देखो, सब समझ आ रहा है कि एक ही जैसा आप देख रहे हो, कुछ एक दो टॉपिक हैं जो इधर उधर हो रहे हैं. सो वॉट यू नीड टू डू कि आप पेशेंस रखो, अपने आप पे कॉन्फिडेंस
रखो, है ना। चलो इसी के साथ सेशन वाइंड अप करते हैं। और देखो यहाँ पे आपको SSC का एग्ज़ाम है, तो प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट आप ले सकते हो यहाँ से। आपको 350 प्लस टेस्ट मिलते हैं, जो कि आपको सिर्फ 199 में मिल रहा है। ऑफर आपका कितना है, वैलिडिटी इसकी 3 महीने की। चलिए इसी के साथ सेशन वाइंड अप करते हैं। एंड स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू जो भी अपकमिंग शिफ्ट में एग्जाम देने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।